चीज स्वीकार नहीं करते, पर जैन में भी बहुत सारे हैं तो ये सब चलेगा, इसमें हमें कोई नहीं, ये सब अभिषेक करते हैं आरती से। पर जैन महाराज जीओं की माता जीओं की जो परंपरा है जो वो लेते हैं उनके अनुरूप आहार देना पड़ते हैं। तो वर्तमान सागर जी हैं तो वो सोचते हैं, उनका कहना ये कि यदि खंडेलवाल खंडेलवाल होगा तभी वो आहार लेते हैं, अग्रवाल टू अग्रवाल होंगे तभी लेते हैं वो। वो क्या है ना, वो शंकर दोष माने, एक शंकर दोष नाम सुना आपने? नहीं सुना। इस शंकर दोष होता क्या है, ये मैंने जिनेंद्र सिद्धांत प्रवेशिका में पढ़ा। अब हम एक शंकर दोष आपको किस चीज से मैं समझा रही है, थोड़े से चावल देना ये पड़े, थोड़े से यहाँ रखो मैं बता इधर ओके। ये चावल एक कैसे है, सूखे हुए शुद्ध चावल, इसमें कोई मिलावट नहीं, और ये पुष्प है रंगे हुए हैं। अब हम इसमें इसको मिला देंगे तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, दोनों मिला दिया, पुष्प बन गए। कैसे बन गए पुष्प, चावल में पुष्प मिलाने से क्या पुष्प बन जाते हैं? यदि ऐसा है तो दूध में पानी को मिलाने के बाद या पानी को दूध में मिलाने के बाद दूध जल में मिलाएंगे तो जल होना चाहिए बराबर, और दूध में पानी मिलाएंगे तो पानी दूध हो जाना चाहिए, होता क्या? तो हमने इसको क्यों कह दिया कि ये पुष्प है, ये दोष, कौन सा दोष, इसको कहा जाता संकर दोष। जहां पर एक जाति से दूसरी जाति के पदार्थ को मिला दिया जाता है, जो मिश्रण नया उत्पाद होता है, जैसे जैसे हल्दी चूना मिलाने के बाद एक नया कलर उत्पन्न होता है, हल्दी का कलर येलो होता है, चूना व्हाइट होता है। इसके बाद जब कोई नया कलर उत्पन्न होगा कौन सा होता है, ना तो वो रेड होता है, कोई नया ही कलर होता है, तो वह क्या उत्पन्न हुआ, वह संकर दोष। इसी तरह अब हम एक एग्जाम्पल से ये अचेतन में ले लिया, अब चेतन में लो, घोड़े की जाति में और एक और कोई जिससे खच्चर पैदा होता बराबर, खच्चर पैदा होता है किससे होता है, गधी, गधी और घोड़े के संबंध से क्या होता है, खच्चर। ऐसे ही कुछ लोगों का मानना है कि हम जो मतलब जाति और कुल शुद्ध नहीं है, अलग अलग में है, तो वह क्या है, संकर दोष। जैसे अभी सुअर और गाय के संयोग से नई गाय पैदा हुई है बराबर, जर्सी गाय, ये सुअर और गाय के संयोग से बराबर, इसीलिए वह कारण क्या बना है, कुछ गाय का दूध पीने वाला अधिकतर कैंसर का पीड़ित होता है, साइंस ने भी मना किया है कि उस गाय का दूध नहीं। अब कल एक नाइट में सब लोग बैठे थे तो वैयावृत्ति कर रही थी महिलाएं, तो किसी ने बोला, श्वेता जी ने बोला कि डॉक्टर ने कहा है गाय का दूध नहीं पीना चाहिए, तो मेरे को हंसी आ रही थी रात में, यार गाय का दूध मना नहीं किया, तो प्राची भी बैठी थी, दो तीन लोग और बैठे थे, तो मैंने कहा डॉक्टर ने ये नहीं कहा कि गाय का दूध नहीं पीना चाहिए, ये कहा होगा कि कौन सी गाय है वो जिस गाय का दूध अपवित्र है,
जो बीमारी का कारण है, हमारी सिस्ट बढ़ रही मान के चलिए। मुझे डॉक्टर ने कह दिया कि कैंसर हो सकता है, अब किसी डॉक्टर ने कह दिया होगा कि गाय का दूध नहीं पीना चाहिए, अब वो डॉक्टर को ध्यान नहीं रहा होगा, उसने ये नहीं बोल पाया होगा देसी गाय की विदेशी गाय। हमने कह दिया कि इन महानुभाव से आहार नहीं लेना चाहिए, हम सबसे आहार नहीं लेते, हम किससे नहीं लेते, उनसे आहार नहीं लिए माता जी ने, उन्होंने एक व्यक्ति को बाहर कर दिया। या तो ये तो सोचो पहले, या तो वो असूले में होगा, कोई कारण होगा, या नेल्स बड़े होंगे, कुछ ना कुछ दोष तो होगा, तो हम ये ना लगा ले अनुमान। सभी को मना किया, एक को बाहर निकाल दिया तो सबको, ये हमारा अनुमान गलत हो सकता है। तो हम बहुत सारे ये दोष पर हमारे गुरुवर ने कहा है कि हम ये दोष सभी में नहीं मानते, जैन जैन में हम ये दोष नहीं मानते। आचार्य भगवान विद्यासागर जी जैन जैन में, जैसे हमने आपको बताया, इसको दोष को नहीं मानते। आचार्य भगवान विराग सागर जी इस दोष को नहीं मानते, विशुद्ध सागर जी इस दोष को नहीं मानते, आचार्य भगवान विवाह सागर जी इस दोष को नहीं मानते हैं कि आप अग्रवाल हो, खंडेलवाल हो, जैन की जो जातियां हैं, इससे जो उत्पन्न होने वाली वो संकर दोषी संतान है क्या? नहीं। कुछ पूर्ण पुराने महाराज जी लोग हैं जो इस चीज को मानते हैं, वो आहार नहीं लेते, ठीक है कोई बात नहीं, नहीं लेते, तो हम इस चीज को बुरा मत माने। उन्होंने जो नियम ले रखे हैं, जैसे ज्ञानमती माता जी भी नहीं लेती होगी, नहीं लेती ना, आपने देखा मुझे पता है, तो वो भी नहीं लेती। तो कुछ लोगों की ये मान्यताएं हैं, तो चलो ठीक है, उन्होंने इस चीज में भी घटा लिया, ठीक है ठीक है, ये तो नहीं हुआ। आपने आपको ये मत समझो कि मैं इस योग्य नहीं हूँ, आप योग्य, उनके रूल्स हैं, नियम हैं, तो हो सकता है उनके रूल्स के हिसाब से, नियम के अनुरूप हम आहार नहीं दे पा रहे, कोई बात नहीं, और जिनको दे सकते उनको तो दें। पर अब हम इसमें ये रूल्स नहीं है कि हम अदर कास्ट से आहार नहीं, ये मेरा त्याग है, ये हमारे गुरुवर ने हमें त्याग कराया है कि कभी भी किसी के घर में जैसे कोई आया है अदर कास्ट का, उसकी शादी हुई, वो मुझे आहार देना चाहे जैन, तो मेरा त्याग, मेरे गुरु जी का त्याग। तो जो नियम है तो वो है। अब क्या होता, कई लोग कहते हैं वो महाराज जी लेते हैं, वो माता जी, तो ये हमारी गुरु परंपरा से, गुरु आज्ञा से जो नियम दिए गए, ऐसे ही हमें इस अनुमान लगाते उनके गुरु जी ने जो उनको नियम दिए, रूल्स दिए, वो उनका पालन कर रहे हैं, और हम श्रावक हैं तो हम उसका पालन करवा रहे हैं। तो अब हमें इसमें जैसी बात चल रही थी, आपने श्रीमान शरद जी ने कहा या ऋषिराज जी ने कहा, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसमें एक प्रश्न है माता जी कि ये अपने जो महाराज जी हैं, कुछ महाराज जी हैं जो अदर कास्ट से आकर के अपने महाराज जी भी बने हैं, इस टाइप के भी कुछ उदाहरण, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, परम शतय जैसे शुल्लक ध्यान सागर जी, बराबर वो जैन नहीं थे, वो ब्राह्मण थे, संभव विद्यानंद जी महाराज जी, विद्यानंद जी ब्राह्मण थे, संभव सागर जी ब्राह्मण, और आज संभव सागर जी कितने नियम का पालन कर रहे हैं, एक ब्राह्मण उच्च कुल में आते हैं। आप आगे आ जाइए, अब मैं आपको एक एग्जांपल, आपने कहा वे सब, उसमें भी कुल देखा जाता है, आप उच्च कुल के हैं कि निम्न कुल, जी माता, क्योंकि जितने भी अपने जैन बने हैं, अगर जैसे राजा थे महावीर स्वामी के पिताजी, वो सब राजा से, मतलब सिंह लोग थे, क्षत्रिय लोग थे, क्षत्रिय कुल से निकल कर, क्षत्रिय कौन से आते, उच्च कुल में आते, उच्च कुल में आते, हम क्षत्रिय वंश उच्च कुल है, जो क्षत्रिय आज हम भी क्षत्रिय है, क्षत्रिय नहीं होते तो ये पात्रता नहीं थी मेरे अंदर में, उसमें क्षत्रिय में, जैसे आज के समय में अगर क्षत्रिय है या ब्राह्मण है, उस कुल की बच्ची अगर हमारे यहाँ आ रही है, तो उनसे आहार लेने की बात में फिर उसमें कैसे उस चीज को, एक बात है। तो अब
क्षत्रिय में आप मान किस किस को रहे हो? अब वो क्षत्रिय वंश से आई खाने वाली क्या थी, आपने ये देखा क्या? उसके माता पिता के संस्कार देखे क्या आपने? ये देखा घर में खा क्या रही है, कभी देखा? गोल गोल वाइड वाइड, और हमने अपना मना लिया। सिर्फ हम जाति ही नहीं देखते, आज कभी भी आप शादी करते जैन कुल में भी, तो सबसे पहले क्या देखते हो? संस्कार क्या है? संस्कार पूर्ण परिवार है कि संस्कार विहीन परिवार है? क्या आप अपने बेटे की शादी करने गए हैं जैन कुल में? यदि कोई गलत चीज रखी होगी आप शादी करेंगे? क्या उस बेटी को स्वीकार करेंगे? नहीं करेंगे। तो बहुत सारी चीजें हैं। अब मैं आपको मानो एक वो जाति कौन सी होती है, निम्न जाति होती है, गड़रिया कहलाते, मैं नहीं जानती हूँ, भेड़ पालते वो कहलाते, मुझे नहीं पता। अभी आचर वमन विनिश्चय सागर जी महाराज, इस बार सागर चातुर्मास है उनका, सागर में मौरा जी बर्फ, उनके संग में एक श्रीपाल भैया है, बाल ब्रह्मचारी श्रीपाल भैया। वो कौन सी जाति से? जो भेड़ को पालने वाली, उस जाति से ग्रह का त्याग, परिवार का त्याग, ये मैंने साक्षात देखा है। पर प्रतिमा साथ प्रतिमा लिए, पर आचिषी आहार नहीं लेते। उनके गुरुजी जिनसे व्रत लिया वो आहार नहीं लेते, चौके का काम नहीं कराते, अभिषेक पूजन पूजन करो आप, बर्तन दे दिया, अभिषेक नहीं करते, अभिषेक नहीं करते, वो संग में रहते। और मालूम चौके में भेजते हैं तो मालूम चौके के बर्तन में भोजन नहीं कराते। उनको अभी क्या किया है, चांदी के बर्तन दे रखे हैं, वो अपने बर्तन ले जाते हैं, मैंने देखा, अपने बर्तन में भोजन करते, अपने बर्तन साफ करते, और हमसे अच्छी क्रिया का पालन करते। और सबसे बड़े संघ की सीनियर भैया हम, और जो जूनियर आ रहे वो दीक्षा लेते जा रहे, वो भी दीक्षा तो नहीं सकते ना, लेंगे तो सिर्फ छुल्लक ही बन सकते। कभी भी निम्न जाति को मुनिराज बनने की पात्रता नहीं है, छुल्लक ही बने। वो शंकर दोष वाले किसी का? कौन से शंकर दोष, किसको शंकर दोष मानते? ये बताओ हम किसको माने, हमारे लिए तो बताया ही नहीं इस चीज में, हमने तो ये आपको बताया कैसे होता। आगम में आपको कहीं मिला शब्द शंकर दोष क्या कहलाता? अभी तक तो मैंने बहुत सारे दोष पढ़े, नया नाम सुना हुआ शंकर दोष क्या है, शंकर जाति क्या है, जो मिलकर के उत्पन्न हुई है वही तो है। दो के संयोग से भिन्न भिन्न डेफिनेशन क्या होगी, जो भिन्न भिन्न जाति से या भिन्न भिन्न पदार्थों से नया पदार्थ बनता है वह संघ। माता जी इसका आया था बीच में, मैंने एक दो बार डाला भी था, जिसमें विज्ञान ने जो निकला था उसमें निकला कुछ अमुक जेनेटिकली डिफरेंट, शादी भी हुई तो उनके तो बच्चे उनके कुछ बीमारियां होने की संभावना ज्यादा हो जाती है, जैसे वो जो आजकल कुछ कुछ बीमारियां जो अपने जेलियों में कभी सुनने में भी नहीं आई थी, भारत में कभी सुनने में भी नहीं आई थी, और अब सब संभव, अभी वो सब, अब सब संभव है, जो भारत में नहीं था वो अब संभव है। क्यों? क्योंकि हमारा खान पान शुद्ध नहीं है, जब खान पान शुद्ध नहीं रहा तो खानदान शुद्ध कैसे होगा? जब हमारा खान पान शुद्ध होता है तो खानदान भी शुद्ध हुआ करता है। खाने से मन बनता है, मन से वचन बनते हैं, वचन से जीवन बनता है, और जीवन से आचार बनता है, आचरण बनता है। यदि भोजन शुद्ध नहीं होगा तो मन शुद्ध नहीं होगा। आप देखना आप यहाँ शांति से बैठे हुए, यदि कोई का खान पान ठीक नहीं होगा, ये बात हम करते तो वो बीच में बोल पड़ता, क्या बात कर रहे, वह नहीं बोला, उसका दोष नहीं, उसने जो खाया वही बोला।
इसलिए बतलाया गया है, सबसे पहले खाने का सुख। साधु संत महाराज जी माता जी शुद्ध क्यों खाते हैं? क्योंकि मेरा मन शुद्ध रहे। जितना हमारा भोजन शुद्ध होगा इतना ही मन शुद्ध होगा। मन शुद्ध होगा तो वचन भी शुद्ध निकलेंगे, वचन शुद्ध निकलेंगे तो जीवन शुद्ध होगा, तभी हम आपको अच्छा बदला पाएंगे। यदि वो नहीं होगा तो आचरण भी शुद्ध नहीं होगा। जैसा खाना खाते हैं, क्योंकि बताया है यदि ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है ना, तो गरिष्ठ रसों का त्याग कीजिए। क्यों बतलाए? बहुत सारी चीजें बताई, क्योंकि जिन चीजों से हमारी बुद्धि भ्रमित हो सकती है। अब बतलाया है कि आपको बहुत सारी चीजें करना है, तो आपको बताए आप बहुत सारे मिर्च मसाले, बहुत तले हुए पदार्थ खाते हैं, पाचन करने की शक्ति नहीं है, फिर भी कारण। तो सबसे पहले हमारे तत्व और सुख में आचरण और उपासना में महाराज जी ने जहाँ पुण्य की बात की है, तो उससे विपरीत चलेगा तो पाप दिख जाएगा। तो हमें करना क्या, सब कुछ शास्त्र में लिखा है, कहीं जाने की आवश्यकता। तो सबसे पहले हम बच्चों को क्या सिखाते, भोजन अच्छा शुद्ध प्रासुक करो। हाँ, बाजार में बनाया हो, किसने बनाया पता नहीं। हम ये तो कहते हैं कि माताओं ने ना 3 दिन का भोजन नहीं करते, कहते हैं ना बड़े वो कहते हैं, लेकिन एक बात सुनी कि कभी हम होटल जाते हैं, पता है किसने भोजन बनाया, वहां कौन सा सोला था, कौन सी लेडीज बनाई है, कौन सी जेंट्स बनाए, कोई मालूम है क्या? तो हम घर में बहुत सोला दिखलाते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं इतना कर, लेकिन ये भी तो देखो हमारा लक्ष्य वहाँ पहुँच रहा कि नहीं। यहाँ हम सब कुछ कर रहे हैं, यहाँ हमने ये देखा है कहाँ पर सांगा ले रहे हैं अपनी आंखों से, सफाई करने वाले, और यहाँ से जब सफाई की वहाँ ड्रेस चेंज की और भोजनशाला में भोजन सप्लाई करवाई, सोचो आप, ये मैंने अपनी आंखों से देखा हमारे तो एक कारण क्या है, हमें मात्र उनकी ड्रेस दिखती है, व्यक्तिगत तो पहले ये नहीं देखा जाता। हम तो नए नए लोग देखते हैं तो ये भी नहीं पता कौन है, ये झाड़ू लगाने वाला है, रोड को साफ करने वाला है कि भोजन बनाने वाला है। हमें तो भोजन दिया, हमें तो करने, अब बस्तों में वो इसने भोजन ही नहीं खिलाया आपको, भोजन के साथ साथ अपने भावों का रसपान कर रहे हैं। चारुदत्त का क्या हुआ था, माँ भी भोजन कराती थी, पत्नी भी भोजन कराती थी, पानी पिलाती थी, पर चारुदत्त शास्त्र स्वाध्याय में लगा रहा, बदलना है तो क्या किया कि सबके चाचा ने ले जाकर इसको बदलना है वेश्या के पास में। 12,000 दीनार का स्वामी चारुदत्त मात्र वेश्या का हाथ का पानी पी करके परिवर्तित हो गया। तो हमें किसी को चेंज करने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, ना कोई मंत्र होता है, मात्र यही मंत्र होता है मन मंत्र। अभी अपना बनाना है ना, क्या करो अपने हाथ से भोजन करा। बच्चे माँ के क्यों होते हैं, माँ प्यार से अपने हाथ से भोजन कराते। अब जैसा भोजन कराया जाएगा वैसा हमारा मन बन जाएगा, इसलिए भोजन माँ के हाथ का मन, चाहे वह पत्नी कराए चाहे वह बहन कराए, भाव क्या होना चाहिए, माँ भोजन करा रही है। अब हम लोग को तो हर कोई भी दे, चाहे भैया दे चाहे बहन दे, चाहे दादी दे चाहे माताएं दे, मात्र लक्ष्य में क्या है, देखो तो माँ भोजन करा रही है।
कोई भी डांट भी ना कुछ भी कह रहा, माँ कह रही मुझे और कुछ नहीं। और आज सबसे किसी ने एक क्वेश्चन पूछा पूज्य गुरुवार से, एक बात समझ में नहीं आती, महाराज जी लोग खड़े होकर आहार लेते हैं और इतने सारे लोगों के बीच में कैसे वो लेते हैं, तो इफेक्ट क्यों नहीं पड़ता कोई कार्य? तो उन्होंने कहा, मैं तो अपनी माताओं से भोजन करता हूँ, किसी और से थोड़ी ना भोजन, जो भी आहार दे रहा वो मेरी माँ है, चाहे वो ये 8 साल की बेटी ही क्यों ना हो, सब माँ के बराबर आहार के साथ। तो फिर ये हम क्यों नहीं सोच सकते? और उस भाव से किया गया आहार आपके लिए शक्ति प्रदान करेगा, क्योंकि एक साइंस ने बोला है और एक बुक में भी मैंने पढ़ा है, यदि मुझे भूख लगी, भोजन बहुत सारा किया, पर क्या अगर क्रोध में किया, बहुत गुस्से में किया, अब वो शक्ति नहीं देगा, एनर्जी नहीं देगा, उसके बाद भी हुआ भोजन भी कैसे परिणमन होगा? जिन भावों से भोजन किया गया उसी अनुरूप हुआ भोजन परिवर्तित, जैसे बताया गया जिन परिणामों से मेरा मरण होगा, जो भाव मेरे होंगे, यदि मेढक का मरण जिन मंदिर के परिणामों से हुआ तो जिन मंदिर पहुंचा, समोसरण का भाव था मुझे समोसरण में जाना, जा रहा था, गलती नहीं थी, हम कहते मेढक की गलती थी कि देख के चलना चाहिए था, हाथी के पैर के नीचे, या यूं कहा जाता है लोक में कि हाथी ने मेढक को कुचल दिया, वस्तु तो मेढक का ही प्रमाद था, मेढक की तिरछी छलांग लग गई थी और हाथी ने पैर उठाया, हाथी ने पैर उठाया और यहां से मेढक ने छलांग लगाई। अब हाथी इतना बड़ा विशाल है, उसे दिखेगा क्या नीचे का? नहीं ना, पैर रखने वाला था वो मेढक, पैर के नीचे आ मरण हुआ, हुआ क्या? भाव थे मुझे महावीर स्वामी के समुसरण में जाना और वह मेढक का वहां पर मरण हुआ, यह घोषणा नहीं कर पाया, वह कहां पहुंचा? स्वर्ग, स्वर्ग में जाकर के मालूम दावत ज्ञान तब मैं कहां जा रहा, और चला गया समुसरण में। महावीर स्वामी से पूछा गया, राजसैनिक प्रश्न कर रहा है, मेरे हे भगवान महावीर स्वामी, आपके समुसरण में यह कौन सा देव आया है जिसके मस्तिष्क पर यह मेढक का चिन्ह बना हुआ? क्योंकि जिस पर्याय से जाते हैं वह चिन्ह यहां मस्तिष्क पर होता है। देव गया गया तो महावीर स्वामी के समोसरण में दिव्य ध्वनि में था, हे राजश्रेणी, हे अधिपति, जिसके बारे में जानने की इच्छा आपने प्रस्तुत की है, वह देव कोई नहीं वही है जब आप चल करके आ रहे थे, आपके गजराज के पैर के नीचे यह जल का मेढक समुसरण की इच्छा रखे था और मेढक के पैर के नीचे आने के बाद वह आपसे पहले समुसरण में आ गया। इसलिए जो भाव मेरे होते हैं, जो भाव से भोजन किया जाता है, हम वहां पहुंच जाते हैं। अभी भूख तो नहीं लगी, त्याग है क्या? त्याग बराबर। आपने एक कहानी सुनी होगी या दृष्टांत सुना होगा,
एक बाउड़ी में रहने वाला मैडम कौन था? सेठ, सेठ सुदर्शन, सॉरी, जो भी एक सेठ थे, पहले क्या रात्रि भोजन का त्याग, रात्रि पानी का त्याग, क्या इच्छा? पानी, 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 पानी। क्या हुआ? प्यास के कारण प्राण चले गए। पानी, पानी कहाँ पैदा हुआ? हुए कौन सी पर्याय? मैडम, आप वो संस्कार तो देखिए चाहते, और वही मैडम था जो समोसरण गया। वह पहले मैडम का जीव सेठ था, और वह पानी की याद ने, उस पानी पानी ने मैडम की पर्याय संस्कार था, जाते स्मरण हो गया था कि समोसरण लगा हुआ सुनाई पड़ा, तो भाव बन गए समोसरण जाने गया, तो क्या वो मरण हुआ, फिर देव पर्याय में चला। ऐसे ही हम और आप हैं, ना जाने कौन कौन सी पर्यायों से आ रहे हैं, अभी तो त्याग है हर चीज का, इसीलिए बतलाए गए अंतिम समय भी वह त्याग बना रहे। जब पहले त्याग नहीं किया तो अंत समय कैसे बना रहे? इसलिए संस्कार मजबूत चाहिए। कल कोई पूछ रहा था इतनी जल्दी क्या थी दीक्षा लेने की, पहले कम से कम भोजन करना तो सीख लेना था, आहार करना सीख लेना था। मैं क्या करूं, मैंने तो कई बार जन्म लिया सीखा ही नहीं, आप जैसे सिखाने वाले नहीं मिले मुझे। यदि बात ऐसी कही जाए, पहले मुझे भोजन करना सीखना चाहिए, इसके बाद दीक्षा लेना चाहिए, ठीक है, मैं मान लेती हूँ, माना। तो मैं आपसे पूछती हूँ भाई, आकाश में उड़ना है ना, चाहते हो? पहले पक्षी बनोगे कि उड़ना सीखोगे? नहीं, पहले उड़ना सीखो, बाद में हम पक्षी बनेंगे। तो आप हमें ये संभव करके दिखाओ, पहले उड़ के बताओ पंख से, उसके बाद पक्षी बनना, नहीं है ना संभव? इसी तरह पहले दीक्षा होती है, बाद में शिक्षा होती है। क्षेत्र में तो ऐसा नहीं होता, पहले शिक्षा होती है, फिर बात एक अलग है, ये आगम है और ये मोक्ष मार्ग है। निश्चय के मार्ग में अगर कहें कि उस हिसाब से पहले अपने को बनना पड़ेगा, फिर उसके बाद में फिर ही होगा, निश्चय में और व्यवहार में भी। यदि हम ये कहें कि पहले पढ़ाई हो जाना चाहिए, पहले शिक्षा हो जाना चाहिए, बाद में दीक्षा, तो मैं आपको बताऊं भटक जाओगे। बहुत सारे भटकते हुए जीव मैंने देखे, क्योंकि यदि बाय चांस मेरे गुरुवर ने मुझे इतना योग बना दिया होता पहले, तो हमारे अंदर में लालच आ जाता, लोभ आ जाता। अब तो गुरुजी ने पढ़ा लिखा दिया ही है, तो अब क्या करना, एक टाइम खाना, एक टाइम खाओ, दो टाइम खाना खाओ, आराम से समाज के पास जाओ, ये विधान कराओ, ये कराओ, वो कराओ, पैसे कमाओ, आराम से यस करो, क्यों मुझे इतना कष्ट सहन करना, बताओ? वस्तुतः जो दीक्षा है वह है आत्म कल्याण के लिए है। उस जो हमें ज्यादा कुछ दिखने लगता है, ज्यादा पैसे से दिखने लगता है, फैसिलिटी दिखने लगती है, तो दीक्षा के भाव नहीं होते हैं, कष्ट में ही इष्ट की याद आती है। तो अवधि आपको इष्ट को प्राप्त करना है, तो कष्ट के दिन भी देखो। यदि हम ज्यादा सुख सुविधाओं में रखेंगे